साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई लड़की आपसे बात करते समय अपने बालों को सहलाती है तो इसका मतलब है कि वह आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। साइकोलॉजी के अनुसार साधारण लोगों में प्रेम विवाह यानी लव मैरिज, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, जिस व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे नाराज होना असंभव है। साइकोलॉजी के अनुसार एक अच्छे शरीर की तुलना में एक सुंदर चेहरा अधिक आकर्षक माना जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार हम प्यार को जितना छुपाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह उजागर होता है। जब आप किसी के काफी करीब हो जाते हैं तो उसके द्वारा भेजे गए मैसेज भी आपको उसकी आवाज में सुनाई देने लगते हैं और उसके होने का एहसास दिलाते हैं। जब आप किसी के साथ चलते हैं तो आप सामान्य गति से चलते हैं, वहीं जब प्रेमी और प्रेमिका के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। वजह यह है कि वे एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। जितना अधिक आप किसी से बात करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उसके प्यार में पड़ जाएंगे। अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है, इसका मतलब है कि वह एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज्यादातर बातें अपने तक ही रखता है। यदि आपको सोने में परेशानी हो रही हो तो अपनी पलकों को तेजी से खोलिए और बंद कीजिए। थकी हुई आंख सोने में आपकी हेल्प करेगी। आपके अवचेतन मन के पास आपकी सारी समस्याओं के जवाब है। अगर आप सोने से पहले अपने मन को कहें कि मैं 6 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक 6 बजे उठा देगा। दुनिया के सामने कभी खुद को एक खुली किताब न बनाएं। सब लोग यहाँ इतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। इंसानों की खुशी शुरू के 9 दिन ज्यादा रहती है, उसके बाद कम हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह जाते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। इतिहास कहता है कि कल का सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जब परिवार का सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। आज साफ नीयत से मेहनत की जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, परंतु मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। आज बुरा है कल अच्छा आएगा, वक्त की ही तो बात है, बदल जाएगा। समंदर की तरह है हमारी पहचान, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। आज से दूसरी आय की तलाश शुरू करें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होगा कि आपकी कंपनी आपको कब बाहर कर देगी। अपने बिस्तर से बाहर निकलने से पहले प्रेरक वीडियो जरूर देखें जो आपको पूरे दिन जोश और उत्साह से भरे रखे। हर बार स्मार्टफोन को चेक करना बंद करें, यह आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। कभी किसी के जीवन में न जाके अपने समय का उपयोग खुद को सुधारने में करें। जितना हो सके उतना पैसा बचाएं, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो मुश्किल समय में आपको पैसे ही बचाएंगे। हमेशा अच्छी बातों, अच्छे जवाब या अच्छे लेखक की सराहना करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है, इसका निर्माण इस तरीके से किया गया है, जो आप दोगे वही आप तक आएगा। किसी के पीछे या प्यार के पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपको जरूर रुला कर जाएगा। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, खुद की ग्रोथ पर फोकस करो। किसी इंसान से अगर आप खुद का मजाक बहुत दिनों से सह रहे हो तो यह नहीं कि वह मजाक करता ही रहेगा, उसे साफ मना कर दो। अपने आप को पागल बनाना बंद कीजिए, क्योंकि जिस काम में आप खुश नहीं हो उस काम से जिंदगी में खुशियां कैसे आएगी। दूसरों की खुशियों से जले नहीं बल्कि उम्मीद मजबूत करें, मुझे भी खुश रहना है अब।
इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, पहला वक्त और दूसरा पैसे। सिंगल होने के बहुत फायदे हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। आपकी लाइफ को सिर्फ आप ही कंट्रोल करोगे, कोई दूसरा नहीं। आपको किसी भी काम के लिए, कहीं जाने के लिए किसी को बताने या पूछने की जरूरत नहीं होगी। आप बिना डिस्टर्ब हुए अपनी मन पसंदीदा मूवी या वेब सीरीज देख सकते हो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको किसी से बात करनी है या टाइम देना है। आप जब चाहें सो सकते हो, जब चाहें जाग सकते हो। आपके देर रात तक जागने का कोई कारण ही नहीं होगा। आपको खुद से और अपने परिवार से प्यार करने को वक्त मिलेगा। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को हद से ज्यादा चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा बिजी होना भी आपको इग्नोरेंस फील करा सकता है। इंसान जिसकी बुराई करता है उस इंसान से कुछ वक्त पहले उस इंसान के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड लग रही हो तो मात्र आप अपने दिमाग को कंट्रोल ऑर्डर देकर अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल ढाल सकते हैं। दूसरों को अपनी कमियों या कमजोरियों को देखने देना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह से दूसरों को लगेगा कि आप एक वास्तविक इंसान हैं। इस प्रकार घनिष्ठता की भावना पैदा होती है। आपका मस्तिष्क उन कामों को महत्वपूर्ण नहीं मानता है जिनको पूरा करने के लिए अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, और जिन कामों की समय सीमा एकदम सिर के ऊपर होती है, हमारा दिमाग उन कामों को ही प्रायोरिटी देता है। जिन लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है वे उस समय गहरे तनाव में होते हैं और उन्हें तुरंत प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है। इंसानी दिमाग हमेशा से ही लालची रहा है। जब तक फायदा नहीं दिखता दिमाग काम नहीं करता। साइकोलॉजी कहता है कि आप जितना ज़्यादा साइकोलॉजी जानते हैं आपके सक्सेस होने के चांस 70% बढ़ जाते हैं। वैसे तो आप सभी को यह बात पता है कि लड़कियां खासकर अपनी तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद करती है। लड़कियों को मजाकिया किस्म के लड़के ज़्यादा पसंद होते हैं। ऐसे में संभावना है कि लड़कियों का मूड 24 आवर्स के लिए एक जैसा नहीं रहता। तो याद रखें, लड़कियों के मूड को देखते हुए उनसे बात करें। लड़कियों के बड़े बोलेपन वे उनकी बातों के भंडार से हर कोई वाकिफ है। लड़कियां खूब बोलना चाहती है लेकिन उन्हें सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। अगर आप उन्हें अहमियत देकर उनकी बातों को गौर से सुने तो लड़कियां भीतरी मन से आपसे जुड़ जाती है। एक समझदार लड़की को उनके चिंता व हाल पूछने वाले लड़के प्रभावित और दिल से जुड़े हुए नजर आते हैं। हमेशा लड़की को यह महसूस कराएं कि आप उसके कितने केयरिंग हो। जब भी किसी लड़की से मुलाकात हो तो चेहरे पर एक मुस्कान रखें, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान होना सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। अगर आप लड़कियों के दिल में एक खास जगह बनाना चाहते हैं तो उसकी सभी प्रकार की समस्याओं में निपटने के लिए उसका साथ दें और मदद करें। साइकोलॉजी कहती है कि अगर रिश्ते में विश्वास, रोमांस, सेक्स और रिश्ते के लिए वक्त ना हो तो उस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। इसलिए अपने रिश्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें। बाकी दूसरी चीज़ें असल में कोई मायने नहीं रखती है, वो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। यह 100% सच है, एक बार ज़रूर आजमाएं। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।